अगले सवाल पर आते हैं। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कंसीडर सर्कुलर क्वाइल ऑफ वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट आई फॉर्मिंग अ मैग्नेटिक डायपोल, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक जो क्वाइल होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेट जैसा ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको एक मैग्नेटिक डायपोल जैसा ट्रीट करने के लिए कहा गया है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन इनफाइनाइट प्लेन दैट कंटेन्स द सर्कुलर क्वाइल एंड एक्सक्लूडिंग द सर्कुलर क्वाइल एरिया इज गिवेन बाय फाई आई, है ना। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर क्वाइल क्वाइल इज गिवेन बाय फाई नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। कहने का मतलब ये है, देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी, है ना, कुछ इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो रिंग है जो क्वाइल है इसका एक प्लेन होगा, अपना इन्फाइनाइट प्लेन बना सकते हैं यहाँ पर, है ना। अगर मैं ये मान लूँ कि ये जो रिंग है वो बिल्कुल ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर यहाँ पर एक इन्फाइनाइट प्लेन लेते हैं, है ना। उस इन्फाइनाइट प्लेन में से जो है केवल अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है लेफ्ट साइड में, है ना। तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स है और उस फ्लक्स का वैल्यू दिया गया है फाई नॉट, ठीक। और इसी प्लेन में, ये इन्फाइनाइट प्लेन है, इसमें रिंग को छोड़ दें, उसके अलावा जो भी एरिया बचता है उस एरिया से फ्लक्स बताया गया है फाई आई। तो फाई आई और फाई नॉट में क्या रिलेशन होगा हमें बताना है, ठीक है। इस रिंग से जो फ्लक्स पास करता है वो इतना है, और इसी प्लेन में, इसी इन्फाइनाइट प्लेन में रिंग का एरिया छोड़ दें, उसके अलावा बाकी जो एरिया बचता है उससे फाई आई है, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन बताना है। अब आप ध्यान देंगे कि जो भी लाइंस यहां से इंटर कर रही है ना इस लूप में, वो कहीं ना कहीं घूम करके वापस आ रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक। तो अगर यहां से 10 लाइंस इंटर करी हैं तो वो 10 लाइंस जो है बाहर से घूम करके आ रही होंगी ऐसे, मतलब यहां जो इन्फाइनाइट प्लेन है वो उस इन्फाइनाइट प्लेन को कहीं ना कहीं बाहर से वो इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकलेंगी ऐसे, इधर से जा रही हैं और इधर से इंटर करके दाहिने साइड में आ रही हैं, है ना। तो इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था और बाहर जो है उल्टा जा रहा है ऐसे, तो डायरेक्शन तो बदल गया, है ना। अगर मैं इसको जो है ये कहता हूं कि इसमें फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन में है, तो बाहर वाले प्लेन में फ्लक्स उल्टा डायरेक्शन में होगा, है ना। लेकिन होगा उतना ही, अगर यहां से 10 लाइंस इंटर करी हैं तो बाहर से 10 लाइंस ही घूम करके आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि सारी लाइंस जो है क्लोज लूप बनाती हैं, कोई भी जो है ऐसा नहीं है जो क्लोज लूप नहीं बनाता, सब क्लोज लूप बनाते हैं, तो घूम करते आना ही है। अगर 10 लाइंस गई है तो 10 ही घूम करके वापस आएंगे, क्योंकि उनको वापस जुड़ने के लिए भी 10 ही है, ठीक। तो ये कह सकते हैं। और फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ही तो होता है जो पास करता है किसी सरफेस से। तो अगर 10 गई है 10 आई उल्टा, इसका मतलब कि फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा, डायरेक्शन जो उल्टा है, साइन उल्टा है, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था और बाहर जो है लेफ्ट से राइट होता हुआ क्रॉस करके आएगा जो बाकी जो प्लेन है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो फाई आई है इनफाइनाइट प्लेन से होकर के वो आएगा माइनस फाई नॉट। जो रिंग से फ्लक्स है उसके आगे निगेटिव लगाएंगे तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उससे फ्लक्स निकल जाएगा। तो देखेंगे जो पहला ऑप्शन है, इसमें पहले ऑप्शन में यही बताया गया है फाई आई इज इक्वल टू माइनस फाई नॉट।